आखिर अक्सर ऐसा क्यों हो जाता है कि जैसे ही चुनाव आता है नजायज बेटी, नजायज बाप और नजायज बीबियां सामने आ जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। मुझे यकीन है कि नजायज का मतलब आप लोग समझते होंगे। जी हाँ, भाजपा के एक सांसद हैं, बहुत बड़े भोजपुरी के सुपरस्टार भी हैं, हिंदी फिल्मों में भी आते हैं, वेब सीरीज भी आजकल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रवि किशन की। बता दूं कि गोरखपुर से वे वर्तमान में सांसद हैं, भाजपा के नेता हैं और फिर से दोबारा भाजपा ने उनके ऊपर भरोसा जताया है और फिर से चुनाव में खड़ा है। वहीं उनकी एक नाजायज बीवी और नाजायज बेटी सामने आ गई है। असल जिस महिला ने उनकी नाजायज पत्नी होने का आरोप लगाया उसका नाम है अर्पणा ठाकुर उर्फ सोनी और वहीं उसकी बेटी का नाम है सिनोवा। और सिनोवा ने यह वीडियो बनाया, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मांगा है। आदरणीय श्री योगी जी नमस्कार, मेरा नाम सिनोवा है, मैं आपके सांसद रवि किशन की बेटी हूं और मैं आपसे विनती करना चाहती हूं कि आप मुझे और मेरी माँ को थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको अपना सच बताना चाहती हूं। वहीं जैसा ये मामला सामने आया, रवि किशन की जो पत्नी है प्रीति शुक्ला, उन्होंने जाके गोरखपुर के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया उस महिला यानी अर्पणा ठाकुर के खिलाफ कि ये मतलब कि जो इन्होंने नाजायज आरोप लगाया है ये फर्जी है और निराधार है। और बता दूं कि इस चीज को लेकर पूरा मामले में तुल पकड़ लिया है। और साथ ही जो प्रीति शुक्ला है जो रवि किशन की पत्नी है, उन्होंने एक समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर भी FIR दर्ज करवाया कि उनकी मिलीभगत से जो प्रीति ठाकुर है उन्होंने उनके पति पे आरोप लगाया है और बिल्कुल ही बकवास है। वहीं इस खबर को आते ही राजनीतिक गलियारे में मतलब मामला तुल पकड़ लिया है। वहीं अभी तक रवि किशन बिल्कुल चुप है और इस मामले में उन्होंने कोई भी सफाई नहीं दिया है। महिला की उम्र 35 साल है, उसकी एक बेटी है जो कि 18-19 साल की है और इन दोनों का रवि किशन के ऊपर आरोप लगाया गया है। महिला का कहना है कि रवि किशन से उन्होंने कुछ साल पहले शादी किया था